जब भी मैं कन्नौज खातेगांव के रोड पर जाता हूँ तो सुनील यादव मेरा स्वागत करता है, सब लोगों से मिलकर इकट्ठा कर कांग्रेस के नेताओं से स्वागत करवाता है। मैं तो हमेशा से आप लोगों से मेरा वही रिश्ता है जो एक मामा का अपने भांजे से होता है। यह बात देवास जिला प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी ने कही। खातेगांव बस स्टैंड पर ब्लॉक कांग्रेस नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित प्रभारी मंत्री के स्वागत समारोह में आपने कहा कि मेरा आप लोगों से यही रिश्ता है। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जब मैं विधानसभा का चुनाव हारा था तब भी आपने स्वागत किया, जब मैं विधायक बना तब भी आपने स्वागत किया, जब मैं मंत्री बना तब भी आपने स्वागत किया। यह आशीर्वाद बना रहे भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जब मुझे यह पद मिला इसकी चर्बी सर पर ना चढ़े, ऐसा भी आशीर्वाद आप मुझे दे दें। आप सब कांग्रेस परिवारजनों के कारण ही हम सरकार में आए, वचन पत्र को लेकर आए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री श्री जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ वचन पत्र में किए गए वादों को एक एक कर पूरा कर रहे हैं। कमलनाथ जी चाहते हैं गरीब युवाओं को रोजगार दिलाए, किस तरीके से अर्थव्यवस्था स्थापित हो, प्रत्येक परिवार के लोगों को उसका लाभ मिल सके और मध्य प्रदेश हर प्रदेश में अव्वल रहे। इस दौरान पीसीसी सुनील यादव ने प्रभारी मंत्री पटवारी का ध्यान आकर्षित करवाते हुए कहा कि कई स्थानों पर किसानों द्वारा समर्थन मूल्य के गेहूं पंजीयन के लिए पोर्टल नहीं खुल पा रहा है, ऐसे स्थिति में किसान पंजीयन नहीं करा पाएंगे। वहीं खातेगांव अस्पताल में लंबे समय से डॉक्टरों की कमी है, तब प्रभारी मंत्री ने कहा कि सब हो जाएगा। खातेगांव से संवाददाता की रिपोर्ट। तो बात है सरकार की सब्सिडी की योजना का, ये न्याय इस सरकार ने किया, कमलनाथ जी की सरकार ने किया। आज जिस तरीके से दिन भर मोंटेक सिंह आलूवालिया, मोंटेक सिंह आलूवालिया कौन है, जिन्होंने मनमोहन सिंह जी की सरकार में एज ए वित्त सलाहकार का पद संभाला और देश की उन्नति, बड़वानी में हत्या हुई बीजेपी के लोग निकले, अभी जो रिसेंट घटना हुई मुझे कहना नहीं चाहिए, अपराधी अपराधी होता है, जो भी उसमें भी बीजेपी के लोग संलिग्न पाए गए, हर ऐसी घटना जिसमें उन्होंने दुपट्टा कंजी लगा के दुपट्टा बांध के बयान दिया सुधर वहीं से, और जब उसकी जांच हुई तो कुछ न कुछ उनके विचार के लोग निकले, तो ऐसा क्यों हो रहा है? गरीबों को युवाओं को रोजगार दिलवाए, किस तरीके से अर्थव्यवस्था समृद्ध बनाए, एक एक परिवार के साथी को उसका लाभ हो और मध्य प्रदेश देश में नंबर वन हर क्षेत्र में आए, इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग बहुत कुछ न कुछ नुक्स निकालते हैं। शिवराज सिंह चौहान भी जब मन में आता है कुछ तो भी बयान देते रहते, अभी कहीं किसी की हत्या हुई नहीं कि उन्होंने सुबह उठे अखबार पढ़ा, रात को जानकारियां ली, नाना हमारे यहाँ पे अभी पोर्टल पे जो पंजीयन का काम चल रहा है उसमें गिरदावरी पोर्टल वापस खुलवाना पड़ा है, क्योंकि उसमें किसी किसान का गेहूं और उस पर चना आ रहा है और बहुत से गांव तो ऐसे हल्के हैं वहाँ पे पोर्टल ही नहीं खुल रहा है, उसमें किसान पंजीयन से अगर वंचित होगा तो अगली फसल बेच नहीं पाएगा गेहूं चने की, इस पर विशेष ध्यान देते हुए और एक अस्पताल हमारा बिल्कुल डॉक्टर नहीं हुआ अस्पताल में, खातेगांव नगर में अस्पताल के और ये स्कूल का एक मलखम का मतलब हुआ हमारे यहाँ खेल जो जो बोला सब हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।